गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्णा। पिछली सत्रह मैं कुमार संतोष आप सभी का महाविद्यालय के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत वंदन और अभिनंदन करता हूँ। प्रिय छात्रों, जैसा कि आपको बताते हैं कि हम आपके पाठ्यक्रम में सम्मिलित एक अति महत्वपूर्ण प्रकरण कारक प्रकरण के संदर्भ में परिचर्चा कर रहे हैं, तो उसी श्रृंखला को हम आगे बढ़ाते हुए आज की इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे या समझेंगे कारकों के परिचय के बारे में। कारक, जैसा कि आपको पूर्व में हम बता चुके हैं, कारक छह प्रकार के होते हैं। कर्ता कारक, कर्म कारक, कर्म कारक, शब्दान कारक, अपादान कारक और अंतर्म कारक। तो इनके परिचयों के बारे में जानना है हमें कि कर्ता कारक कहाँ पर होता है, कर्म कारक कहाँ पर होता है, कर्म कारक कहाँ पर होता है। इन सब के बारे में हम इस वीडियो में आपसे परिचर्चा करने वाले हैं। और तीनों ईयरों की छात्राओं से मेरा करवत विनम्र आग्रह यही है कि आप मनोयोग पूर्वक श्रवण करेंगे तो आपके विश्वविद्यालय में आने वाली परीक्षाओं के प्रश्नों का अच्छी प्रकार से हल कर सकते हो, उनका उत्तर दे सकते हो। जैसा कि आपको पूर्व में हम आपको बता चुके हैं कि कारकों से संबंधित दो प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। नंबर एक, हिंदी वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद, और नंबर दो, संस्कृत वाक्यों का हिंदी अनुवाद। पांच पांच सेंटेंसों के आप पेपर में है, लेकिन उसके लिए आपको कारकों के बारे में सम्यक ज्ञान होना परम आवश्यक है। तो उसी का प्रयास हम कर रहे हैं कि आपको कारकों के बारे में भली भांति से ज्ञान हो। तो करते हैं प्रारंभ आज की इस वीडियो का बिना किसी व्यवधान के। तो सबसे पहले आप पढ़ोगे या जानोगे कर्ता कारक के बारे में। जैसा कि आपको विदिता है, कर्ता कारक के संदर्भ में एक सूत्र होता है स्वतंत्र कर्ता, कि किसी भी कार्य को करने के लिए जो स्वतंत्र होता है उसे हम क्या बोलते हैं, कर्ता कारक बोलते हैं। यानी कि यह क्रिया करने स्वतंत्र भौतिक से कर्ता है, जो किसी भी कार्य को करने के लिए पूर्ण रूप में स्वतंत्र है या जिसके माध्यम से कोई क्रिया की जाती है, जो करने वाला है वो क्या कहलाएगा, आपका कर्ता कारक। कर्ता कारक जैसे आप देखेंगे यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर राम ने पढ़ती, पढ़ने की क्रिया कौन कर रहा है, राम कर रहा है। तो राम में कौन सी विभक्ति होगी, प्रथमा। राम क्या होगा यहां पर, कर्ता। कृष्ण ने खादी, कृष्ण ने खादी, खाने की जो क्रिया है कौन कर रहा है, कृष्ण कर रहा है। इसलिए कौन सी विभक्ति, कर्ता कौन है, कृष्ण है। और ये बात को स्मरण रखना है, स्मरण रखना है क्या, कि कर्ता कारक के युग में सदैव प्रथमा विभक्ति का ही प्रयोग किया जाता है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट बात है जो आपको ध्यान रखनी है कि कर्ता कारक के युग में सदा प्रथमा विभक्ति का ही प्रयोग किया जाता है। जैसे राधा नृत्य, नाचने की क्रिया कर रही है, कौन कर रही है, राधा कर रही है। तो राधा में कौन सी विभक्ति हो गई, प्रथमा विभक्ति हो गई। साधु गायति, साधु गाता है, तो गाने की क्रिया कौन कर रहा है, साधु कर रहा है, इसलिए यहाँ पर कौन सी विभक्ति, प्रथमा विभक्ति। और कर्ता कौन होगा, साधु यहाँ पर कर्ता होगा। तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है कि किसी भी कार्य को करने के लिए जो पूर्ण रूप से स्वतंत्र होता है उसे हम क्या बोलते हैं, कर्ता बोलते हैं। और कर्ता कार्य के युग में सर्वदा प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। ऊपर विभक्तियों के बारे में हम कारकों के परिचय कराने के बाद आपको जानकारी देंगे उपपद विभक्तियों के संदर्भ में, लेकिन तब तक आप इनके बारे में जो कर्ता कारक के युग में कौन सी होती है, कर्म के युग में कौन सी होती है, इनके बारे में आप मनोयोग पूर्वक श्रवण करें। अब आपको हम ले चलते हैं कर्म कारक की ओर। कर्म कारक, कारकों का दूसरा भेद है कर्म कारक। कर्म कारक यानी कर्ता क्रिया के माध्यम से जिसे सर्वाधिक चाहता है उसकी कर्म संज्ञा होती है। और कर्मणी च द्वितीया, आपने ये पढ़ा होगा, कर्मणी च द्वितीया, कर्मणी च द्वितीया। कर्ता क्रिया के माध्यम से जिसे सर्वाधिक चाहता है उसकी कर्म संज्ञा होती है, और जिसकी कर्म संज्ञा होगी उसमें कौन सी प्रवृत्ति का प्रयोग, द्वितीय प्रवृत्ति का प्रयोग किया
जाएगा। यानी कि कर्ता क्रिया के माध्यम से जिसे सर्वाधिक चाहता है उसकी कर्म संज्ञा होती है और जिसकी कर्म संज्ञा हुई उसमें कौन से विभक्ति द्वितीया विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। अब जैसे आपने एक रामे पढ़ती तो इसी को ले लीजिए, रामे पुस्तकम पढ़ती, रामे पुस्तकम पढ़ती, पढ़ने वाला कौन है? राम है। किसको सर्वाधिक चाह रहा है? पुस्तक को। तो पढ़ने वाला जो है उसमें राम में तो प्रथम भक्ति हो गई, लेकिन किसको चाह रहा है सर्वाधिक? पुस्तक को चाह रहा है, इसलिए पुस्तक में कौन सी भक्ति का प्रयोग? द्वितीया विभक्ति का प्रयोग। ये आपको राम में पुस्तकम पढ़ती। कर्ता क्रिया के माध्यम से जिसे सर्वाधिक चाहता है उसकी क्या होती है? कर्म संज्ञा, और जिसकी भी कर्म संज्ञा होती है उसमें द्वितीया विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, ये आपको स्मरण रखना है। अब चलते हैं हम दूसरा उदाहरण, कृष्णे खादति, कृष्णे फलम खादति, कृष्णे फलम खादति। खाने वाला कौन है? कृष्णे क्या खा रहा है? फल खा रहा है। तो कृष्ण में तो हो गई प्रथमा, कृष्ण में कौन से हुए? प्रथमा। और फलम में क्या हुए? द्वितीया। फलम फले फलानी, फलम फले फलानी, यहाँ पर द्वितीया विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, इस तरह से आपको ये ध्यान रखना है। और देख लीजिए, जैसे राधा कृष्णे साधु गायति, साधु भजनम गायति, ये विधि से साधु भजनम गायति, साधु भजन गाता है। गाने वाला कौन है? साधु है। किसको गा रहे हैं? भजन को। तो भजन में कौन सी विभक्ति हुई? द्वितीया। और साधु में प्रथमा। तो कर्ता क्रिया के माध्यम से जिसे सर्वाधिक चाह रहा है वहां पर क्या होगी? कर्म संज्ञा होगी, और जहां पर कर्म संज्ञा होगी वहां पर द्वितीया विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। क्लियर होगा? अब चलते हैं हम आगामी कारक के बारे में आपको जानकारी देंगे। आगामी जो कारक है कर्ण कारक, दो कारकों के बारे में आपको जानकारी हम प्रदान कर चुके हैं। अब तीसरा कारक के बारे में, तीसरे कारक के बारे में, तीसरा कारक है आपका कौन सा? कर्ण कारक। ध्यान मनोजपूर्वक श्रवण करें, कर्ण कारक ये आपका कर्ण कारक होगा। कर्ण कारक, कर्ण कारक का सूत्र होता है क्या? ये क्रियाएं करने, साधकम करणम, ये लिख लीजिए साधकम तमम करणम। क्रिया की सिद्धि में जो सर्वाधिक सहायक होता है उसे कर्म कारक कहते हैं। किसी भी क्रिया के निष्पादन करने में जो सर्वाधिक सहायक होता है, या दूसरे शब्दों में ये कहें जिसके माध्यम से कोई क्रिया संपन्न की जाती है, क्रिया को संपन्न करने का जो माध्यम होता है उसमें कौन सी विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा? साधकम करणम और कर्ती करणम तृतीया। ये आपको सूत्र पढ़ा होगा कि क्रिया के करने में जिसकी सर्वाधिक सहायता ली जाती है या जिसके माध्यम से कोई क्रिया संपन्न की जाती है उसे कर्ण कहते हैं। और कर्ण कारक के युग में हमेशा कौन सा विभक्ति? तृतीया विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। जो कर्ण होगा उसमें तृतीया विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। जैसे आप देखें, रामे कलमेन पत्रम लिखति, रामे कलमेन पत्रम लिखति। ये देखें आप, लिखने की क्रिया की जा रही है, लेकिन किससे की जा रही है? कलम से की जा रही है। तो कलम में कौन सी व्यक्ति? तृतीया विभक्ति। लिखने वाला कौन है? राम है। तो राम क्या हुआ? कर्ता। कर्ता कारक के युग में प्रथमा विभक्ति। तो ये आपको ध्यान रखना है, किसको चाह रहा है सबसे ज्यादा लिखना? पत्र को। तो पत्र में कौन सी विभक्ति? द्वितीया। जैसे कृष्ण मुखम, नहीं जलेन मुखम प्रच्छालयति, कृष्ण जल से अपने मुख को धोता है,
तो धोने की क्रिया की जा रही है, मुख को धोने की क्रिया किसके माध्यम से की जा रही है, जल के माध्यम से। तो जल में कौन सी भक्ति? तृतीया। धोने वाला कौन है? कृष्ण है। तो कृष्ण में कौन सी भक्ति? प्रथम। इस तरह से आपको ध्यान रखना है। जैसे बालक है दुग्धहीन, रोटी काम फालती, जैसे बालक दूध से रोटी खाता है तो खाने की जो क्रिया है किसके माध्यम से खा रहा है? वो भी दूध के माध्यम से रोटी खा रहा है। इसलिए यहां पर क्या किया जाएगा? दुग्धहीन में तृतीय विभक्ति, रोटी काम रोटी सर्वाधिक चाह रहा है इसलिए द्वितीय विभक्ति। जैसे रमान बना वैसे ही रोटी काम बना। ये बातें आपको समझ रखनी है, ठीक है? ये हुआ आपका करण कारक। जैसे से वायु यानी गच्छति, से वायु यानी गच्छति, जैसे वो वायु यान से जाता है, यानी की क्रिया की जा रही है किससे? वायु यान से। इसलिए कौन सी व्यक्ति? तृतीय व्यक्ति का प्रयोग किया जाएगा किसमें? वायु यान में। और देखो साहब एक उदाहरण देख लीजिए, से पदाभ्याम चलती, वह पैरों से चलता है, वह पैरों से चलता है, यानी सह पदाभ्याम चलती वह पैरों से चलता है। इसलिए यहां पर कौन सी व्यक्ति? तृतीय व्यक्ति। दो पैर है इसलिए द्विवचन में है, तो पदाभ्याम से पदाभ्याम चलती, यानी वह पैरों से चलता है, तो कौन सी व्यक्ति? तृतीय व्यक्ति, यानी जिसके माध्यम से कोई क्रिया संपन्न की जाती है उसे हम बोलते हैं क्या? करण। और करण कारक के योग में सर्वदा तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो आज की वीडियो में हमने आपको तीन कारकों के बारे में जानकारी दी है। तीन की नेक्स्ट वीडियो में दे देंगे आपके लिए। एक तो कर्ता, किसी भी कार्य को करने के लिए जो पूर्ण रूप से स्वतंत्र होता है उसे हम बोलते हैं कर्ता कारक। और कर्ता कारक के योग में सर्वदा प्रथमा विभक्ति का ही प्रयोग किया जाता है। कर्ता क्रिया के माध्यम से जिसका सर्वाधिक चाहता है उसकी कर्म संज्ञा होती है, और जिसकी कर्म संज्ञा हो जाती है उसमें द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। और रही बात करण कारक की, जिसके माध्यम से कोई क्रिया की जा रही है, क्रिया की सिद्धि में सर्वाधिक सहायक होता है उसे हम करण बोलते हैं। और करण कारक के योग में सर्वदा तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो इस तरह से तीन कारकों के बारे में हमने आपको जानकारी दी। मनोयोगपूर्वक समझ करेंगे तो आपको जो विश्वविद्यालय के द्वारा प्रश्न पूछे जाते हैं उनके उत्तर देने में कभी भी समस्या उत्पन्न नहीं होगी। आप उनका बखूबी उन प्रश्नों के उत्तर आप दे सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, और मैं कुमार संतोष आपसे लेता हूँ विदा। मिलते हैं नेक्स्ट डे आगामी कार्यक्रम के ज्ञान के साथ, चर्चा के साथ। तब तक के लिए घर पर रहें, स्वस्थ रहें, खुश रहें, मस्त रहें, और अपने अध्ययन से तनिक भी प्रमाण न करें, क्योंकि वैदिक उक्ति है स्वाध्याय महाप्रमाण। विद्यार्थी को कभी भी स्वाध्याय से अपने अध्ययन से प्रमाण आलस्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपने पढ़ा होगा भर्तृका सूत्र, भर्तृका श्लोक कि आलस्य से कुतो विद्याय विदस्य उदय सुखम। ये आपने पढ़ाई है कि जो आलसी व्यक्ति होता है उसको विद्या की प्राप्ति नहीं हो सकती, और धनम, और जिसके पास विद्या नहीं है ज्ञान नहीं है उसके लिए धन नहीं मिल सकता। तो अध्ययन से पहले प्रमाण ना करें। जय श्री कृष्ण। मिलते हैं नेक्स्ट।